नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन नाइफ ऑफ मास एम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच ऑन ए वुडन फ्लोर इफ द ब्लेड पेनिट्रेट एप टू द डेप्थ डी इन टू द वुड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुड टू विद ए नाइफ एज। ये क्या करा देता है, एक नाइफ को एच हाइट से, एम मास की नाइफ है, एच हाइट से क्या देता है, छोड़ा जाता है। ये यहाँ पे क्या हमारे पास वुड रखी हुई है, वो नीचे आती है और डेप्थ डी डेप्थ तक वुड में क्या हो जाती है, वुड में वो फंस जाती है। पेंट्रेट मतलब वुड को छीनते हुए डी डेप्थ तक वो नीचे चली जाती है। हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय डिस्टेंस कितना होगा, तो डब्ल्यू नेट कितना होता है हमारे पास, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, जीरो, यहाँ भी रुक जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय एम जी कितना हो जाएगा हमारे पास, एम जी एच प्लस डी, ओके, प्लस वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लें तो गई कहां से, नीचे में। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस इक्वल टू जीरो, यानी कि एम जी एच प्लस एम जी डी प्लस माइनस एफ डी, यानी कि एफ डी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एफ डी इक्वल टू एम जी एच प्लस एम जी डी, दैट इज द आंसर, एम जी एच प्लस एम जी डी। और फोर्स हमें निकालना था, कितना फोर्स लग रहा है बाय डिस्टेंस कवर्ड, तो हमारे पास क्या आ गया, डी इसके डिवाइड में आ जाएगा, डी डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया, तो एच बाय में डी प्लस वन, दैट इज द फोर्स। इतना फोर्स लगाएगा ऊपर से तभी वो क्या होगी, इतनी डेप्थ तक नीचे तक जा सकेगी, तो दैट इज द फोर्स। ओके, देन राइट डाउन।